नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। राजस्थान से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जनजुआर की खबर के अनुसार जोधपुर शहर के झाला मंड चौराहा स्थित एक आयुर्वेद की दुकान चलाने वाले सातिर व्यक्ति दो महिलाओं से मिलकर पीड़ित दो अन्य महिलाओं से इलाज और जादू टोने के नाम पर 3 लाख रुपए के जेवर लिए और फरार हो गए। दोनों पीड़ित महिलाएं अब थाने पहुंची है और मामला दर्ज कराया है। सातिरों ने गुथे गए आटे में जेवर को निकालने के बाद कारस्तानी की। घर में डिब्बा खोले जाने पर ठगी का पता लगा। जब तक दोनों महिलाएं दुकान पर पहुंचती, तब तक बदमाश भाग चुके थे। कुड़ी थाने में अब धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया गया है। बता दें कि एसआई का कहना है कि काक कंगाड़ी में मेघवाल बस्ती के रहने वाली हंजा देवी पत्नी सुरजा राम के तरफ से केस दर्ज कराया गया है। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। तब किसी परिचित ने झाला मंड चौराहा स्थित एक आयुर्वेदिक की दुकान चलाने वाले व्यक्ति का कार्ड दिया और वहां इलाज करवाने को कहा था। इस बारे में उसने अपने पति अन्य परिचित महिलाओं को भी बताया, जिससे बच्चा नहीं हो रहा था। दोनों महिलाएं उस आयुर्वेद की दुकान पर 22 मार्च के आसपास गई थी। दुकान में दोनों महिलाएं थी और अंदर एक पुरुष इलाज कर रहा था। बाहर उनसे 2 रुपए की रसीद कटवाई गई। बाद में पुरुष ने आयुर्वेद इलाज के नाम पर उनको पहले भस्म खिलाई, फिर आश्वस्त किया कि बीमारी और बच्चा नहीं होने के लिए कुछ जादू टोना करना पड़ेगा। पुरुष ने महिलाओं से कहा कि वे अपने घर से गुथा हुआ आटा लेकर आए। तब अगले दिन दोनों महिलाएं गुथा हुआ आटा लेकर आई। इस पर साथी ने नाक की कणिकियों को उतरवाकर गुथे हुए आटे में रखवाया। बाद में मोली आदि बांधकर दे दिया। फिर उन्हें अगले दिन बुलाया, तब कहा कि उनकी समस्या बड़ी है, गुथे हुए आटे में सोने का वजन बढ़ाना पड़ेगा। इस पर पहले सोने की रखड़ी और टूसी किलो रखवाया गया। बाद में एक डिब्बे में डालकर दे दिया और घर ले जाने को कहा। अगले दिन आने पर फिर सोने का वजन बढ़ाने का कहकर फिर सोने के गहनों को आटे में रखवाया। इस बीच साथी ने डिब्बे से सोने के जेवर निकालकर उसे पोटली बनाकर डिब्बे में लपेट दिया और उन्हें दे दिया और कहा कि जब तक नहीं बोलूं तब तक डिब्बा मत खोलना। 3-4 दिन निकलने के बाद हंजा देवी की पुत्री जो पीहर आई थी, उसे ससुराल जाना था, तब वह गहनों की मांग करने लगी। इस पर हंजा देवी ने उस सातिर को फोन लगाया। ठग हो गया फरार सातिर ने महिला से कहा कि आज रुक जाओ, कल डिब्बा खोल देना। हंजा देवी की पुत्री जिद करने लगी। तब 1 अप्रैल को डिब्बा खोला गया, तब उसमें से जेवर गायब मिले। इस पर वह साथ वाली महिला को लेकर आयुर्वेद की दुकान पर पहुंची, लेकिन वह दुकान पर ताला लगाकर भाग चुका था। एसआई का कहना है कि मामला धोखाधड़ी में दर्ज किया गया है। मोबाइल नंबर से पता लगाने का प्रयास जारी है। दुकान भी सातिर ने किराए पर ले रखी थी, साथ में 2 महिलाओं को भी सातिर ने काम पर लगा रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।